हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे नवंबर 2022 वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। समस्याएं कुछ साल हो रही हैं या पुरानी स्थिति में ही जाएगा। तो जैसे कि अक्टूबर माह में आपको बताया गया था कि सूर्यदेव नीच के हो रहे हैं, अब कर्म भाव के स्वामी 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग अगर सूर्य के दृष्टिकोण से देखें तो नवंबर फर्स्ट वीक के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स होगा, आपके काम जो पेंडिंग हैं वो धीरे धीरे होना शुरू होंगे। कारण होने के यहाँ पे जैसे विशाखा नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में सूर्य गोचर करना शुरू करेंगे, उसके बाद आपको रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक स्वाति नक्षत्र में सूर्यदेव रहेंगे काम रुकेगा, फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, बेवजह अवरोध आएगा। तो आप 10 तारीख के बाद मान के चले कि आपका काम स्पीड से बढ़ेगा, यहाँ तक आपका काम अवरोध युक्त ही चलेगा, लेकिन प्रयास निरंतर जारी रखिए, क्योंकि इसके बाद ये वृश्चिक में जाएंगे 16 नवंबर के बाद। तो 16 नवंबर के बाद जैसे वृश्चिक में जा रहे हैं तो आपके मैक्सिमम बिगड़े हुए कामों को बनाने की शक्ति इनके पास होगी, जो पिछली चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही थी वो कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो 16 अक्टूबर तक तो आपका जो समय है, 16 नवंबर तक का जो समय है वो कार्य व्यवसाय में रुकावट डालने का है। इस समय जब आप नया माह स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर का, तो चार चार ग्रहों की युति जो है द्वादश भाव में आपको देखने को मिलेगी। शुक्र महाराज यहीं है, सूर्य यहीं है, बुध यहीं है, केतु यहीं है। तो जहाँ शुक्र बुध की युति अच्छी मानी जाएगी आपके लिए लक्ष्मी देने के लिए, वहीं सूर्य शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाएगी। जहाँ ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी देने वाले है, वहीं कर्म क्षेत्र पे भी कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाली है। शुक्र महाराज आपके कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो सप्तम भाव का स्वामी द्वादश में स्वग्रही है। द्वादश में स्वग्रही होना बेहतर परिणाम देता है, ठीक है ना। यद्यपि द्वादश में है लेकिन स्वग्रही है, ज्योतिष का एक अकाट्य नियम है, द्वितीयेश और द्वादशेश सदैव अपनी दूसरी राशि का ही फल देंगे। इसलिए यहाँ पे शुक्र दूसरी राशि का फल देंगे, अर्थात व्यापार के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, व्यापार बढ़ाने वाले होंगे। तो इन सारी स्थितियों में एक अच्छी स्थिति ये आपकी बन रही है कि व्यापार आपका कंटिन्यू, काम जो भी कर रहे हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ये हो सकता है कि आपको अपने कर्म क्षेत्र से दूर जाके काम करना पड़े, यहाँ पे आपकी यात्राएं आपको दिखाई दे रही हैं, यात्रा तो आप कर रहे हैं और नवंबर माह में भी आपकी यात्राएं अनवरत जारी रहेंगी। शुक्र अपने ही घर में मूल त्रिकोण राशि में आप कह लीजिए हैं तो बेहतर परिणाम देंगे। लग्न से द्वादश हैं तो आपके व्यक्तित्व को भी निखारने वाले होंगे, आपके अंदर चार्मिंग देने वाले होंगे, लेकिन ये द्वे तो रहे हैं, क्या इनको देने दिया जाएगा, प्रश्न ये भी होता है। देखिए आप कितने भी बड़े सेठ हैं, कितने भी सामाजिक दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित आदमी हैं, लेकिन आपके घर में अगर आपके यहाँ का चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर आ जाए तो फिर आप बाधित हो जाते हैं। अब इस कुंडली में सूर्यदेव द्वादश में जा रहे हैं तो शुक्र भले शुक्र के घर में जा रहे हैं लेकिन शुक्र को बाधित करेंगे, तो शुक्र इनके प्रभाव में आए बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो फ्लो नहीं बनेगा जिस फ्लो से चलना चाहिए। आपके कुंडली में लाभ भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी भी इस समय द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लग्नेश भी अष्टम भाव में जा रहे हैं, ऐसी स्थितियाँ आपके लिए बन रही हैं। तो लाभ का स्वामी अपने से द्वितीय विदेश में, तो अगर आप बाहर घर से निकले हैं तब तो आपको लाभ होगा, बाहर निकल के काम करेंगे तो लाभ होगा, घर में ही बैठे हैं तो लाभ नहीं होगा, लाभ के रास्ते बंद हो जाएंगे।
यहाँ पे सूर्यदेव और व्यापार का स्वामी शुक्र, कामनाओं की पूर्ति का स्वामी बुध, तीनों इस समय टूर पे हैं, विदेश यात्रा पे हैं। तो आप विदेश का तात्पर्य है घर से दूर होना। आप अपने प्रदेश में हैं, दूसरे शहर में जाके अगर काम कर रहे हैं तब भी आपको लाभ होगा। तो अगर आप बाहर हैं तो लाभ होगा। हाँ, घर पे बैठे हैं तो फिर व्यात्मक हो जाएंगे, घर पे बैठ के खर्च करेंगे। केतु महाराज की उपस्थिति, अब केतु धीरे से स्वाति नक्षत्र में जाने वाले हैं, स्वाति का प्रभाव लेने वाले हैं। तो स्वाति एक्चुअली तरासने का नक्षत्र है, तरास देगा, लेकिन तरसाने का भी नक्षत्र है, तरसा सकता है। यद्यपि मंगल जैसा केतु फल देता है तो फटाफट डिसीजन लेना आपके लिए अहितकारी हो सकता है, इसलिए डिसीजन सोच समझ कर आराम से लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। आपके कुंडली में इसके अलावा जो राहु महाराज हैं वो भी धीरे से अब नक्षत्र परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। यद्यपि इस वर्ष नहीं करेंगे, अगले वर्ष करेंगे, लेकिन वो धीरे से अश्विनी की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भरणी में अपने नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। भरणी मतलब भरण पोषण करना। शुक्र आपकी कुंडली में व्यापार से संबंधित हैं, इसलिए राहु आपको परेशान नहीं करेगा। शनि आपके अक्टूबर माह में ही आपके लिए मार्गी हो चुके हैं, तो आपके लिए रास्ता धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे। नवंबर में ही आपके 24 नवंबर के आसपास गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं, तो गुरु का मार्गी होना आपके लिए वरदान जैसा है। गुरु का मार्गी होना मतलब ऑफिस के समस्त काम अब आपके होने शुरू हो जाएंगे, आपके सीनियर अधिकारी आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे, उसके पहले ये लोग सुन ही नहीं रहे थे। मंगल महाराज भी आपके कुंडली में 13 नवंबर तक मंगल महाराज मिथुन राशि में है, लेकिन अच्छा ये है कि मृगशिरा नक्षत्र में है, और उसके बाद अब ये वृषभ राशि में आ रहे हैं और मृगशिरा नक्षत्र में ही आ रहे हैं वक्री होके। तो वक्री होना मंगल का आपके जो व्यापार के संबंधित कार्य थे जो रुक रहे थे उनको ठीक करेगा, वैवाहिक संबंधों में जो रिश्ते आगे बढ़ रहे थे छूट जा रहे थे उनको ठीक करेगा। तो मंगल का वक्री होना बेहतर परिणाम देने वाला है आपके लिए। आपके कुंडली में शुक्र महाराज भी 11 नवंबर तक तुला में है, 11 नवंबर के बाद वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, तो सप्तम भाव का स्वामी लग्न में जाएगा, सप्तम का स्वामी लग्न में जाएगा, और 13 नवंबर के बाद यहाँ पे मंगल महाराज फिर वापस आ रहे हैं शुक्र के। तो मंगल और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन योग, दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे होंगे, एक दूसरे के घर में बैठे होंगे, तो यह जो परिवर्तन योग है आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला होगा। दाम्पत्य जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं, व्यापारिक रिश्तों में आगे बढ़ सकते हैं, रिश्ते टूट रहे थे उनको ठीक ठाक करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। जीवन साथी का अल्पकालीन सुख या अल्पकालीन जीवन साथी का सुख, दोनों तरह के, वो आपको अल्पकाल के लिए सही लेकिन मिल रहा है, तो साथी का साथ अल्पकाल के लिए चाहे मिले लेकिन मिलेगा अवश्य, क्योंकि दोनों एक्सचेंज योग कर रहे हैं, तो वो आपसे मिलने आ सकता है, आप उससे मिलने जा सकते हैं, ऐसी स्थितियां आपके कुंडली में शुक्र और मंगल बना रहे हैं। तो प्रयास करके देखिए, हो सकता है आपको सफलता मिले। 16 नवंबर के बाद सूर्यदेव जैसे वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, तब आपके जितने भी सरकार से, पिता से या कहीं भी काम रुक रहे थे वो काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नवंबर आपका जो थर्ड वीक है वो आपके लिए बेहतर जाएगा। फर्स्ट और सेकंड वीक थोड़ा तनाव में है, लेकिन थर्ड वीक आपके लिए बेहतर जाएगा। जैसे 24 नवंबर को गुरु भी मार्गी हो रहे हैं, तो और बेहतर काम करना आप शुरू करेंगे। बुध महाराज की बात करें तो बुध महाराज भी 13 नवंबर को तुला में, तुला तक 13 नवंबर तक तुला में है, 13 के बाद फिर वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, तो शुक्र और बुध दोनों आपके लग्न में होंगे। लाभ का स्वामी लग्न में होगा, और आपका लग्न का स्वामी आपके व्यापार के घर में होगा, तो यह एक श्रेष्ठ स्थिति आपके लिए बन रही है। राहु महाराज की सेम स्थिति है, शुक्र महाराज की सेम स्थिति केतु महाराज की बनी हुई है। गुरु महाराज अपने ही घर में मार्गी होना शुरू होंगे, तो पंचमेश मतलब विद्या बुद्धि का स्वामी मार्गी होना शुरू हो गया है, तो इष्ट की कृपा प्राप्त होगी, बुद्धि सही ढंग से काम करना शुरू करेगी, सही तरीके से आप काम करना शुरू करेंगे। तो एजुकेशन संबंधित कुछ काम रुके थे तो वो पूरे होने वाले हैं, कुछ प्रेम संबंधों में रुकावट आ गई तो वो ठीक होने वाले हैं, और ये गुरु
अब यहां से लेके अप्रैल तक आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है फिर अप्रैल में ये चले जाएंगे मेष राशि में और 12 वर्ष बाद आपके मीन राशि में वापस आएंगे। तो इसलिए गुरु अब जितना इनकी अवधि बची है इसी अवधि में सभी श्रेष्ठ काम करने के लिए बने हुए हैं, एजुकेशन के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, प्रेम की प्राप्ति के लिए, धन देने के लिए। तो यहाँ पे आपको गुरु द्रुत गति से देने वाले हैं। पीछे लौटे थे, शेर दो कदम पीछे लौटता है तो फिर गति पकड़ता है, तो गुरु दो कदम पीछे लौटे थे, अब गति पकड़ेंगे। शनि महाराज भी मार्गी हो रहे हैं और 17 जनवरी को आपके कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो श्रेष्ठ फल अगले वर्ष तो आपको देंगे ही देंगे। तो ये आपके नवंबर माह की स्थिति है। अक्टूबर एंड में जो आप थोड़ी परेशानी प्राप्त कर रहे हैं उसको नवंबर सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक में आप कंट्रोल, डैमेज को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लक्ष्मी जी कृपा करें, सूर्यदेव की आराधना उपासना आपके लिए हितकारी कल्याणकारी सदैव रहेगी, क्योंकि सूर्य मान सम्मान का प्रतीक है। चलिए स्वस्थ रहिए।